खबर रोहतास जिला के सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है। रोहतास जिला में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया है। खासकर कोचस के इलाके में सैकड़ों एकड़ खेत में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण किसानों का धान का बिचड़ा बर्बाद होने के कगार पर है। कोचस के कटियारा मठौरी सहित कई गाँव के खेतों में बाढ़ का मंजर उत्पन्न हो गया है या फिर तालाब का नजारा है। किसानों ने बताया कि धान के लिए जो बिचड़ा तैयार कर रखे थे उसे तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही पिपरमेंट की खेती भी बर्बाद हो गई। किसानों ने यह भी कहा कि आरा मोहनिया पथ NH के चौड़ीकरण के निर्माण को लेकर जल निकासी के लिए बनाए गए पुल पुलिया और नालों की सफाई नहीं हो सकी है, जिस कारण भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार बारिश ने समस्या को और भी बढ़ा दी है। सब रोड में जो काम लगाया है नाला में ना, सब पुल बंद कर दिया है नाला, इसी के चलते हम लोग डाले हैं बिचड़ा। वो बिचड़ा सब सड़ने के कगार पर है। हम लोगों को जल्दी प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको साफ करा कर और पानी जो अवरुद्ध है इसको निकाला जाए, नहीं तो बिचड़ा हम लोगों का सड़ जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को कौन देगा।